एक बहुत अजीब सवाल को करना चाहता हूं। हदीस ये है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़ी जाए तो मुक्तदी की नमाज नहीं होती है, ये मसला बाद लोगों के नजदीक हो जाती है। अच्छा, अब जब हम ये बात कहते हैं तो सामने वाले ये कहता है, अरे ये बात तो कुरान के खिलाफ है, तुम कहते हो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती और अल्लाह पढ़ते वक्त सिर्फ सुनना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। लिहाजा इमाम अगर करार कर रहा है तो पीछे मुक्तदी को कुछ पढ़ना नहीं है। अगर कुछ पढ़ता है तो इस आयत करीमा के खिलाफ है। अब हमारा भाई कंफ्यूज हो जाता है, अरे हां ये बात तो सही है, हम ये कहते हैं कि इमाम के पीछे अगर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होगी और कुरान कह रहे तुम इतना पूरी कुरान होया। हदीस पेश करने पर वो कुरान की आयत पेश कर सकता है, ये ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हदीस आ जाने के बाद कोई आदमी कुरान की आयत से मुआवजा कर सकता है? ना, दलील दलील ये हदीस वन सईद बिन जुबैर अन्नहु हद्दथा यौमन बिहदीस عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله تعالى فقال الا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف في كتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم بكتاب الله منك رواه الترمذي حضرت امام الدارمي رحمه الله عليه دارمي شریف کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ لائے اور اس روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر ہیں। बहुत गौर से सुनिए, हजरत सईद इब्न जुबैर ने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की, अन्नहु हद्दथ यौमन बिहदीसिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सईद इब्न जुबैर ने एक दिन एक हदीस बयान की। जैसे इन्होंने हदीस बयान की एक आदमी बोल पड़ा, अरे ये कैसे हदीस बयान करो, फी किताबिल्लाहि मालूम अली फुहादा, अल्लाह की किताब में तो इसके उलट है, तुम कह रहे हो ये है और हदीस पेश करते हो लेकिन कुरान में तो बिल्कुल इसके उल्टा है, किताब वाली वाली कहा था। तो वो साहब कहने लगे, अल्लाह सही लिखने जो है तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, मैं हदीस पेश कर रहा हूं अला रानी, मेरा ख्याल ये है वो हद की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बयान करूंगा तारीफ की किताब अल्लाह और तू किताब अल्लाह से मुआवजा कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम की किताब अल्लाह मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की मालूमात तुमसे ज्यादा थी, इसका मतलब यह हुआ कि रसूल कोई साथी करीमा का मतलब ही नहीं समझा, कितनी बार बोलता है, इतना बड़ा गुनाह है ये कहना। अगर ये कहा जाए कि हदीस मौजूद है कमाल की वजह से बातें पड़े बगैर नमाज नहीं होती, अब अगर कोई आदमी यह आयत पेश करे तो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि रसूल को उस आयत करीमा का मतलब ही नहीं समझा, और हजरत सईद बिन जुबैर फरमा रहे हैं कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बी किताबिल्लाह मिनका, अल्लाह के रसूल इस रूए जमीन पर वाहिद शख्सियत है कि जिनसे ज्यादा किताबुल्लाह का इल्म किसी के पास नहीं, और इस आयत करीमा से मुआवजा करने वाला दरअसल नबी पर इल्जाम लगा रहा है कि नबी ने उस आयत करीमा का मतलब ही नहीं समझा।